सर क्वेश्चन 386 मंत्री जी आप पटल पर रख दिया थैंक यू फर्स्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री थैंक यू सर आई आस्क्ड अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन टू द होम मिनिस्ट्री सर कंसिडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड आई वॉज इक्वली एक्सपेक्टिंग अ डिटेल्ड आंसर रिगार्डिंग दिस बट आई वॉट आई सी हियर सर इज अ वेरी इंसल्टिंग एंड इररेस्पॉन्सिबल आंसर फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री सर 9 crore पीपल from both the states telugu states of telangana and andhra pradesh have been looking forward for this answer sir and all they see is a lack of interest or lack of knowledge or both which seems to be true in this case looking at the answer sir apna prashna puchhiye the question that I have asked sir is the how much is the implementation of the act and also the reasons for non fulfillment of assurances and what is the proposed deadline and the answer sir I would like to put it on record also it says large number of provisions of AP Organization Act have been implemented sir my question still remains the same sir it has not been answered we are not satisfied I would like to know from the minister sir is he willing to publish a white paper on this so that people of Andhra Pradesh and Telangana know the exact implementation because it mentions there are 10 years sir but 8 years of it has already been completed mananiya mantri ji mahoday उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा जा चुका है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कुछ ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिनको राज्यों को आपस में सौहार्द के वातावरण में सुलझाना है इसमें दोनों राज्यों को कई बार गृह मंत्रालय ने बैठके कर दोनों के प्रतिनिधियों के साथ कई बार निर्देश भी दिए हैं सुझाव भी दिए हैं ऐसे में इनको स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 के बाद जितने भी इसमें प्रावधान किए गए थे 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच समग्र विकास के लिए कई प्रोविजन भी अलग अलग सर प्रोविजन इसमें किए गए हैं और एक नहीं है बहुत सारे प्रोविजन हैं जो उस दोनों राज्यों को तय करना है तो जितने भी मामले अभी लंबित हैं जो विभाजन के बाद दोनों राज्यों में लागू होना था उन दोनों पे डिपेंडेंट है उसमें गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है हम दोनों को सौहार्द वातावरण में मुद्दों को सुलझाने का कई बार प्रयास किए हैं अगर किसी मुद्दे पे अगर माननीय मंत्री जानना चाहते हैं तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूं मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री दैट देर आर इश्यूज बिटवीन द स्टेट्स ऑल्सो एंड द स्टेट्स हैव टू सिट टुगेदर बट देर आर मेनी ऑफ द इश्यूज विच हैव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री देमसेल्व्स व्हाट अबाउट द एश्योरेंसेस मेड फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट नॉट वन प्रोविजन हैज बीन लिस्टेड हियर सर इट सेज दे आर इम्प्लीमेंटेड बट हाउ मच हैव दे बीन इम्प्लीमेंटेड इफ दे नो दैट व्हाट आर द प्रोविजंस दे कुड हैव स्ट्रेट फॉरवर्डली लिस्टेड सो आई एम स्टिल नॉट सैटिस्फाइड बट माई सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज दैट वेन द बिल वॉज पास इन 2014 वन ऑफ द मेजर एश्योरेंसेज मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज द एडिशन ऑफ स्पेशल स्टेटस because Andhra was getting an unfair deal in this bifurcation, the then Prime Minister Manmohan Singh Ji has promised on the floor of the House that Andhra Pradesh should get special status. And the present Prime Minister also in his election campaign and the manifesto also they have included that Andhra Pradesh is going to get. Now the present Chief Minister of Andhra Pradesh, he also promised that he is going to get. And now the people of Andhra Pradesh are believing that the special status is going to come for Andhra Pradesh. मंत्री जी अध्यक्ष महोदय 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा को परिभाषित करते हुए ना विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा अब इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है फिर भी जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो उस समय जो आश्वासन मिला था उसके हिसाब से विशेष पैकेज मिला है आंध्र प्रदेश को वित्त मंत्रालय के विशेष विकास पैकेज के तहत 2014-15, 15-16, 16-17 और 19-20 के दौरान रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्र के विकासात्मक गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश के 7 पिछड़े जिलों के लिए प्रत्येक जिलों को 50 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आंध्र प्रदेश को 1400 करोड़ की राशि दी उसमें विशेष दर्जा की बात नहीं विशेष पैकेज उसको जरूर दिया गया है उसके विकास के लिए 14वें वित्तीय आयोग ने 2015 और 20 की अवधि के लिए
22,113 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की थी, उसमें से उस 15-20 के दौरान अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 22,111 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 15वें वित्त आयोग में 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश को 5,897 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की थी, वह भी राज्य को प्राप्त कर दिया गया है। उसके अलावा जितने भी उनकी जो विशेष बातें हैं, कई उलझने उसमें हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसमें हम लोगों को राज्य को ही सलटाना है, और इसके लिए जितनी बैठकें हुई हैं 32 मामले ऐसे थे अध्यक्ष महोदय जिसके लिए आंध्र प्रदेश ने अपनी बातों की एक अपनी मुद्दों की एक सूची गृह मंत्रालय को भेजा जरूर था, और चूंकि वह विषय तेलंगाना और राज्य आंध्र प्रदेश के बीच है, वह 32 कार्यों की सूची उन 32 मुद्दों की सूची गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को भेज दिया है। ठीक है, धन्यवाद। उसके प्रकृति के अनुसार उसके मंतव्य उस पे आए, लेकिन तेलंगाना के द्वारा अभी तक कोई धन्यवाद जी उत्तर नहीं मिला है, और यह समझ रहे हैं, मैं एक बार आग्रह करूंगा तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश की राज्य से कि जो भी मुद्दे उनके अनसुलझे रह गए हैं, जो सुलझा नहीं है उसको आपस में बैठकर सुलझाएं। थैंक यू, दोनों राज्य के बीच वही अटका हुआ है।